शेख आजम मखदूम उलमा दारदार अहले सुन्नत सरकार सिन्ना के जान नसीब उनकी अमानतों के अमीर साहिब करामत पीर लासानी औलादे जीदानी हुजूर शेख आजम साहिब सज्जादा मिंबरे खिताबत पे जलवा कर हैं और अपने नाना का जिक्र करने नवाजा तशरीफ लाए, अपने नाना का जिक्र करने सुनाने उनका नवाजा तशरीफ लाए हैं। कसम खुदा की इनके बयान से, इनके अल्फाज से, इनके अदाओं से, इनके अल्फाज से गौसे आजम का वो जलवा दिखाई देगा। कान लगा दो इधर और आंख लगा दो जमाल पे, कान लगा दो गुफ्तगू पे और हजरत के इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के झंकार में बुलंद आवाज से कीजिए, शायाने शान इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, आप भी जरा जोर लगा दो ताकि आपकी सुरा बगदाद मोहल्ला तक पहुंचे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसे आजम, وخطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا وملجانا ومارانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الذين أعوذ بالله من الشيطان الذين بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله سبحان الله. نور ہی نور ہے کس سمت اٹھاؤں آپ نے, نور ہی نور ہے کس سمت اٹھاؤں آپ نے, جلوہ ہی جلوہ ہے طاہر کے نظر آج کی رات. اگر خاموش رہوں جب تو تو ہی سب کچھ ہے, اگر خاموش رہوں جب تو ہی سب کچھ ہے, جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث پاک کی, دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کو دیکھ. آج کی محفل سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی کی یاد میں منائی گئی ہے اور غوث کی اولاد مہاراشٹر سے لے کر یوپی تک سب موجود ہے. ہمارے معظم علی بابو یہ بھی غوث کی اولاد, ان کا انتخاب مہاراشٹر میں ہوا, ہم لوگ کا انتخاب یوپی میں ہوا. غوث کا سلسلہ پھیلتا رہا, لیکن آج میں تمہیں واقعات کو آپ لوگ سنتے ہوں گے, غوث پاک کی نہ جانے کتنی کرامتیں سنی ہیں, مگر آخر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ولیوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے, ان ولیوں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم ولیوں کی یاد مناتے ہیں, اور آخر اس ولیوں کی یاد منانے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہیں مخدوم پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے, کہیں غوث اعظم جیلانی کا تذکرہ ہو رہا ہے, کہیں غریب نواز کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہر جگہ کہیں حضرت شاہ شکر اللہ رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, ماہر شریف کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے, یہ ان کا کیوں,
तो बात से करनी थी कि इस वजह से कि अगर हमने गौस को माना तो हम गुमराह नहीं कर सकते। अब कोई कहता है कि गौस से मानने के बाद गुमराह नहीं होते, खुदा को मानेगा तो गुमराह हो जाएगा। मैं कहता हूं कि खुदा का मानने वाला गुमराह हो सकता है, इसलिए गुमराह हो सकता है कि खुदा को मानता है मगर नबी को नहीं मानता। खुदा को मानता है नबी को नहीं मानता, तो अब मालूम है कि खुदा का मानने वाला भी गुमराह हो गया और नबी का मानने वाला भी गुमराह हो सकता है। इसलिए कि खुदा को भी मानता है और नबी को भी मानता है मगर सहाबा को नहीं मानता, सहाबे को नहीं मानता। तो मालूम है कि नबी को भी माना, खुदा को भी माना, सहाबी को न मानने की वजह से वो गुमराह हो गया। सहाबी का मानने वाला भी गुमराह हो सकता है, इसलिए सारे सहाबी को नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता। सहाबी को माने तो सबको माने, अगर एक को माने और किसी को नहीं मानेगा तो वो भी गुमराह। बात समझिए, तो मालूम खुदा का मानने वाला वो भी गुमराह होने का चांस, नबी के मानने वाले में गुमराह होने का चांस, सहाबी के मानने वालों में गुमराह होने का चांस, मगर जिसने गौसे आजम को माना तो अब ये चांस ही खत्म हो गया। इसलिए कि वो सहाबी को भी मानेगा, नबी को भी मानेगा, खुदा को भी मानेगा। गुमराहियों का चांस मिट जाए। और बात ये समझ में आई, मैंने कहा सुन्नी भी बड़ा होशियार था, उसने भी बड़ा होशियार था सुन्नी, उसने कहा अल्लाह हमने तेरी मंशा को देख लिया है, हमने तेरी मसीहत को हमने पहचान लिया है, हमने तेरे अंदाज को समझ लिया है ऐ मौला। और जब तूने कहा था इब्लीस से फर्स्ट जिब्रील आदम सजदा करो सजदा करो आदम का, तो उसने सजदा नहीं किया, उसको आपने राय लगा कर दिया। मैंने कहा हे मौला तेरा तो सजदा कर रहा था, इतने जमाने तक सजदा किया, इतने जमाने तक चिल्ला किया, इतने जमाने तक सब करता रहा और तूने उसको गुमराह कर दिया। एक सजदा खुदा की बारगाह में हजारों सजदे लाखों सजदे, उन लाखों सजदे के बाद भी अल्लाह ने उसे काफिर बनाया और कहा नबी के सामने झुको, एक ही मौका तो नहीं जुटा था। हे मौला अगर तेरी बारगाह में कोई एक वक्त नमाज नहीं पढ़ता तो तू उसे मुसलमान रखता है, अगर एक हफ्ता में किसी नमाज नहीं पढ़ी तो कहा जाएगा खाती है, गुनहगार है, वो बिल्कुल खताबार है मगर मुसलमान है। खुदा की बारगाह में अगर नहीं झुका तो खताबार कहा गया मगर मुसलमान, और नबी की बारगाह में एक मौका नहीं झुका तो उसे काफिर बना दिया। तुम्हारी ये तो मेरी बात थी, मेरे महबूब की बात, और जब महबूब की बात आएगी तो तेरा चिल्ला नहीं देखूंगा, तेरा सजदा नहीं देखूंगा, महबूब के अदाओं को देखूंगा। एक दफे नहीं झुका, खुदा ने दर्जा कर दिया, हमने समझ लिया कि खुदा का मंशा ये है कि झुको। तो हमने कहा ए मौला अरे नबी के सामने वो नहीं झुका तो तूने राधे दरगाह कर दिया, अब तो हम उसके सामने झुकेंगे कि जो तेरे नबी के सामने झुक चुका है। तो मालूम नबी के सामने झुके, सिद्दीक आजम को हमने उनके सामने झुके, सिद्दीक के सामने गौसे आजम झुके, गौसे आजम के सामने सारे सुन्नी झुके, ताकि दुनिया जान ले ए मौला, ताकि हमको सरकशी ना पैदा होने पाए, ताकि तेरी कबूलियत मिल जाए। तो मन से इलाही है कि मेरे वलियों के सामने झुको, यह अल्लाह की मंशा है। बलियों का तस्करा ये भी है, और फिर देखो अल्लाह तूने तो जब किसी का दिमाग खराब होता था तो तूने नबी को भेजा, कभी आदम को भेजा, कभी नूह को भेजा, कभी जकरिया को भेजा, कभी इलियास को भेजा, कभी ईसा को भेजा, कभी मूसा को भेजा, भेजता रहा दिमाग खराब होता गया, भेजता गया दिमाग बोलता गया, भेजता गया भेजता गया भेजता गया, और जब तेरे आखिरी नबी को भेजा। अरे अगर हमारा दिमाग नहीं संभला हजरत मूसा के दौर में तो इस आखिर जमाने में तो समझ जाए।